आ गया तुम्हारा भाई टोपी वोपी पहन के। तो देखो बात ऐसा है कि एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है एन रेडियो फैन पेज, इस भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो का इंटरव्यू किया जाए। रील तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बता दूं अगर आपको किसी भी रील का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे फॉलो करके डीएम जरूर करना, अगर वो ट्रेंडिंग में रहा तो मैं उसका ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा। ऐसे ही सब्सक्राइबर्स के लिए मैं रील बनाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले देख लेते कि ये वाला रील बनाने के लिए आपको चाहिए क्या और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। देखो आपको चाहिए कैपकट एप्लीकेशन। कैपकट एप्लीकेशन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये इफेक्ट के लिए, पेंडुलम इफेक्ट सिर्फ कैपकट में ही मिलता है, तो कैपकट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ना खुले तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे फॉलो कर लो और मेरे किसी भी पोस्ट में कमेंट कर दो आई नीड कैपकट, इतना आपको कमेंट करना है, मैं आपको आपके डीएम में जाके कैपकट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो कैपकट मिल गया, अब चलते हैं एडिटिंग की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो दोस्तों ये वाला वीडियो हम बनाएंगे कैपकट एप्लीकेशन में, लेकिन कैपकट एप्लीकेशन जबकि इंडिया में बैन है तो इसको चलाने के लिए हमें एक वीपीएन कनेक्ट करना ही पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। तो यहाँ पे मैं एक वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ। सो वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद हम सीधा चलेंगे कैपकट एप्लीकेशन में। कैपकट में जाने के बाद आपको सिंपली जाना है न्यू प्रोजेक्ट में एंड यहाँ से फोटोज में जाके यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना 15 फोटोज। 15 फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में। ओके फॉर्मेट में जाके यहाँ से आपको कर लेना है 9:16 रेशियो को सिलेक्ट। ओके तो ये रील्स वाले रेशियो में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक करके फोटो को पकड़ना है और इस तरीके से दोनों फिंगर से जूम करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। हर एक फोटो में यह स्टेप आपको अप्लाई करना है। ओके सो सारी की सारी फोटोज को स्क्रीन में फिट करने के बाद एंड में एक ब्लैक वाला स्क्रीन आएगा, इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको ऐड करना है ऑडियो। ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड ऑडियो पे जाना है, देन जाना है साउंड्स पे, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल मैनेजर वाला ऑप्शन, इसमें जाके आपको जाना है ये देखो एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो वाला ऑप्शन में। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक वीडियो का लिंक दे रखा है व्हिच इज ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो म्यूजिक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करना है यहाँ पे इम्पोर्ट साउंड ओनली। ओके तो ये देखो यहाँ पे पहले नंबर पे वो वाला साउंड आ जाएगा, देन आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है तो देखो यहाँ पे आ चुका है आपका ऑडियो। ऑडियो आने के बाद मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। देखो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको हर एक वीडियो एडिटिंग में काम आएगा। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक के साथ आपको अपनी फोटो को कैसे मैच करना है। तो म्यूजिक को इस तरीके से दोनों फिंगर से जूम कर लेना है एंड देख लो यहाँ पे बीट कहाँ कहाँ पे है और उसको मार्क कर लेना है। मार्क कैसे करना है, यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे जाना है मैच कट पे। ओके मैच कट में जाने के बाद यहाँ पे देखो ऐड बीट वाला ऑप्शन आएगा, तो पहले बीट में बीट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड वाले बीट में जाते हैं, ऐड बीट पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे एक डॉट ऐड हो जाएगा। सेकंड वाले बीट में एक और डॉट ऐड करेंगे, थर्ड वाले बीट में एक और डॉट ऐड करेंगे, फोर्थ में एक और डॉट, ऐसे डॉट ऐड करते जाएंगे। अब देखो इस तरीके का ट्रिकी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली म्यूजिक को सुन सुन के बीट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक को सुन सुन के बीट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे बीट्स ऐड हो चुका है। बीट्स ऐड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको बैक चले आना है एंड देखो यहाँ पे एक एक करके आपको पॉइंट दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पॉइंट में जाएंगे एंड अपनी पहले वाले फोटो को स्प्लिट करेंगे और बाकी का हिस्सा जो है इसे हम डिलीट कर देंगे। फिर हम जाएंगे उसके बाद वाले बीट में, फिर फोटो को सिलेक्ट करके स्प्लिट करेंगे बाकी का हिस्सा डिलीट, फिर उसके बाद वाले बीट में चलेंगे, फिर फोटो को सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट एंड बाकी का हिस्सा डिलीट। ऐसे ही करते हुए हम एक एक बीट में जाएंगे और एक एक करके फोटो को स्प्लिट करके डिलीट करते रहेंगे। ओके तो यहाँ पे हमने अपनी सारी की सारी बीट्स के साथ अपनी फोटोज को मैच कर दी है। यहाँ पे आते ही आपका 90% एडिट कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे आपको डालना है इफेक्ट। इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे आपको किसी भी फोटो पे टैप करना है एंड देन जाना है एनिमेशन पे। ओके एनिमेशन में जाके आपको मिल जाएगा कॉम्बो, कॉम्बो में जाना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2। तो सबसे पहले वाले फोटो में हम डालेंगे पेंडुलम 1, फिर इस तरीके से जाएंगे सेकंड वाले फोटो में
सेकेंड वाले में डाल देंगे पेंडुलम 2, थर्ड वाले में फिर से डालेंगे पेंडुलम 1, उसके बाद वाले फोटो में हम डालेंगे पेंडुलम 2। ऐसे ही करते हुए हम एक में डालेंगे 1, एक में डालेंगे 2। ओके, तो हमने यहाँ पे इफेक्ट्स भी डाल दिए, अब डन कर देना है और आपकी वीडियो कम्प्लीटली बनके रेडी है। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो एक्चुअली बनी कैसी है। ओके, तो हमारी वीडियो काफी ऑसम तरीके से बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे 1080p में क्लिक करना है। सो रेजोल्यूशन को 1080p और FPS को 60fps रखना है एंड टिक पे क्लिक करते ही ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग पड़ेगी। शाउट आउट टू एंडेड यू फैन पेज। अगर आपको ऐसे ही किसी ट्रेंडिंग रील का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे फॉलो करके मुझे DM जरूर करना। अगर वो ट्रेंडिंग में रहा तो मैं उसका ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, मैंने आपको बता दिया क्या कुछ करना है, तो इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना। और वैसे अगर आपको एक दूसरा ट्रेंडिंग रील देखना है तो आप ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना, और नीचे ट्रेंडिंग रील्स का पूरा प्लेलिस्ट तो देखो और एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।